global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. नमस्कार दोस्तों, हम आज एक अच्छी फिल्म के लिए आए हैं जिसका नाम है खुन्नस। आइए हम स्टार कास्ट से मिलते हैं, आपको मुलाकात कराते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। जी नरेश जी, बताइए कुछ फिल्म के बारे में हमारे दर्शकों का। सर मेरा नाम नरेश कुमार है और आर्यन सिने एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म है और इसके प्रोड्यूसर प्रिया कुमारी है और ये बहुत ही अच्छी मूवी बनी है। दर्शकों को एक बार जाना चाहिए देखने के लिए। और इस फिल्म के बारे में मैं क्या बताऊँ, जितना बताऊँ कम है। अरे नरेश जी, अगर बात करें तो, अगर फिल्म की अगर बात करें तो, आपको एक्टिंग कब से था मन में कि मुझे एक्टिंग करना है और कितना आपको समय गया एक्टिंग करने में? सर एक्टिंग करने का तो मुझे बहुत बचपन से शौक था सर, पर ऐसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला जो मैं एक्टिंग कर पाऊँ। पर प्रिया कुमारी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे चांस दिया और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। अच्छा, अगर फिल्म की हम बात करें तो लोकेशन तो आपने ऑलरेडी बता चुके कि कहाँ कहाँ खबर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपका और हीरोइन का दोनों का कंबाइन कैसा था, किस तरह से काम हो रहा था, किस तरह से काम हो रहा था? काम तो बहुत अच्छा तरीके से हुआ सर, और थोड़ा बहुत हीरोइन थी हमारे नखरेबाज थी और हम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है और काम करने में कोई दिक्कत कहीं नहीं हुआ। तो पूरे फिल्म में हीरोइन का आपका किस तरह का किरदार रहा, किस तरह का आपने साथ में मिलकर काम किया? बहुत अच्छा किरदार है हम लोगों का दोनों का, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने काम किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोगों को काम करने में। हीरोइन भी बहुत सपोर्टफुल थे, बहुत सपोर्ट की है मुझे। अच्छा, अगर बात करें फिल्म की तो फिल्म का शूट किस किस की जगह पे हुआ है और कैसे आपने उसको वर्क किया कि खुन्नस, एक खुन्नस निकालना एक आसान बात नहीं होती है, तो आपने किस तरह से फिल्म में खुन्नस निकाला है? सर खुन्नस तो टाइटल ही था और उसमें जो विलन होता है बहुत बड़ा, मतलब समझिए वो हमेशा लड़कियों को छेड़ता रहता है, तो हीरो को बर्दाश्त होता नहीं है, तो हमेशा हम दोनों के बीच में खुन्नस बढ़ता ही चला जाता है। और रही बात शूटिंग की तो मुंबई में किए सर, उस समय बहुत ही गर्मी था, बेहाल थे हम लोग, मतलब पसीना इतने आते थे कि मेकअप मैन बेचारे परेशान हो जाते थे। और मनाली में तो गए थे, इतनी ठंड थी कि घर से निकलना बहुत मुश्किल था और लोग तो बहुत से लोग ऐसे थे कि जो बगैर नहाए चले गए सेट पे। और झारखंड की है तो वहाँ भी बहुत मज़ा आया सर मुझे काम करने में। अच्छा, अगर अभी फिल्म की बात करें तो फिल्म अब कब तक रिलीज होके थिएटर में लोगों को देखने मिलेगी? सर ये हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कहना है कि ये जनवरी तक रिलीज हो जाना चाहिए मूवी, थिएटर में दर्शकों के बीच आ गया। अच्छा, गाने की अगर बात करें तो इसमें कितने गाने हैं और कौन सा आइटम सॉन्ग है? सर इसमें एक आइटम सॉन्ग है यहाँ लोगे या झारखंड चलोगे, वो बहुत पॉपुलर होने वाला है झारखंड और बिहार में सर, और तीन गाने और उसके अलावा है जो हीरो हीरोइन के ऊपर फिल्माया गया है और एक गाना टाइटल सॉन्ग है जो हमेशा बजता ही रहता है और सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, पब्लिक को पसंद आएगी। अच्छा, अगर गाने की बात करें तो आपने पूरे फिल्म में चार गाने किए, उसमें से कौन सा गाना जो आपके दिल के करीब है जो आप दर्शकों को दो लाइन सुना सके? मेरे दिल के करीब वो गाना है सर, दीवाना हो गया है दिल तेरे प्यार में, दीवाना हो गया है दिल तेरे प्यार में, झूमेंगे नाचेंगे गाए खुशी का तराना, दीवाना हो गया है दिल मेरे प्यार में। चलिए आखिरी अपने जाते जाते एक सवाल कि डायरेक्टर के साथ में आपका कैसा रहा? डायरेक्टर के साथ में भी बहुत अच्छा रहा और वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम लोग के बीच में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम लोग का काम करने में बहुत मज़ा आया और बहुत ही सपोर्ट किया डायरेक्टर ने मुझे और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है, बहुत सीनियर बंदे हैं, बहुत काम किए हुए हैं, तो बहुत मज़ा आया काम करने में उनके साथ। चलिए अपने दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, फैमिली मेम्बर्स को, दोस्त को, मित्र को, कि पिक्चर देखना जरूरी है खुन्नस? हाँ, एक बार तो देखना जरूरी है क्योंकि हमने पहली बार काम किया है और बहुत मेहनत जितोड़ मेहनत किया है, इसलिए जब तक दर्शक देखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि मैं क्या किया हूँ नहीं किया हूँ फिल्म में। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।